साईं मेरे ज़ियारत पे, तो यहाँ जो जो होगा सब एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे। इस ज़ियारत पे जाते हुए ना आपको इतने सुंदर व्यू नज़र आएंगे ना, रास्ते में इतनी सुंदर सुंदर जगह आती है और माउंटेन, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का जी। तो आप सब सोच रहे होंगे ये इतनी ज्वेलरी डाल के, इतना नाली सूट डाल के कहाँ ज़ियारत पे जा रही है, तो मैं आप सबको बता दूँ कि मेरी सिस्टर का था वलीमा, तो वलीमे के बाद ही हमें इस ज़ियारत के लिए निकलना पड़ा, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि हम चेंज वगैरह करते, और हम सोच रहे थे कि अंधेरा होने से पहले पहले ही हम इस ज़ियारत से होके घर आ जाएं। तो ये था ज़ियारत का पार्किंग एरिया। देखो यहाँ से एक और रोड ऊपर जाता है ज़ियारत को, जहाँ पे स्टेयर्स वगैरह नहीं चढ़नी पड़ती डायरेक्ट ज़ियारत के बाहर, लेकिन वो रोड बहुत ज़्यादा डेंजरस था, तो डेट्स वाई हमने प्रेफर नहीं किया, हमने प्रेफरेंस स्टेयर्स को दी। तो ये रहा यार, मैं जा रही थी ऊपर तो याद आया यार बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी आते हुए, और वहाँ पे क्योंकि बहुत हाइट पे है ज़ियारत, तो बहुत ठंडी हवा होती है यहाँ पे, तो सॉक्स वगैरह डालने वापस आई। यार यहाँ की इतनी ज़्यादा स्टेयर्स है, आई थिंक 500 समथिंग कुछ स्टेयर्स थी यहाँ पे, और हम पूरी चढ़ के गए हैं ऊपर, क्योंकि जो रोड था ज़ियारत के पास जाता था वहाँ से, हमने सोचा पहले उसी से जाएंगे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रोड था, मतलब डर लग रहा था नीचे देख के भी। तो हम 1000 स्टेयर्स चढ़ चुके हैं इस टाइम, लेकिन आई थिंक 300 कुछ चढ़, अभी आधी स्टेयर्स हुई होंगी, और इतनी हाइट पे थे कि सारा व्यू नज़र आ रहा था, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का, सच में आपको एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो बस हो गई है यहाँ पे, और हम यहीं सीढ़ियों के बीच में बैठ गए, क्योंकि इससे ऊपर जाया नहीं जाएगा, करेंगे 5 मिनट की रेस्ट, उसके बाद जाएंगे फिर। मैं जब भी पुंज जाती हूँ मैं इस ज़ियारत पे ज़रूर जाती हूँ, आई थिंक 2 या 3 ईयर्स पहले लास्ट टाइम मैं पुंज गई थी, और फिर इस ज़ियारत पे भी गई थी, तो उसके बाद फिर अब ही गए हैं। हम साईमीर ज़ियारत के बाहर है इस टाइम, साईमीर ज़ियारत जो कि पुंछ में है, और इंडिया और पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे है ये। चलो चलते अंदर और आपको दिखाएंगे ये पूरी ज़ियारत। इस ज़ियारत के पानी में भी बहुत शिफा है, लोग जो हैं यहाँ जाते हैं नहाते हैं और उनको शिफा होती है वहाँ के पानी से, तो इस बारे में मुझे भी नहीं पता था, जो मेरे रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ सुरनकोट में, तो उन्होंने मुझे बताया। खैर हमारे पास नहाने तक का तो टाइम नहीं था, क्योंकि शाम हो रही थी और हम ज़ियारत करके ही वापस आ गए। तो आप जब भी जाएं यहाँ ज़रूर नहाएं, क्योंकि कहा जाता है इधर के पानी में बहुत शफा है। ये जो सामने के माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ से LOC सामने नज़र आती है। इस ज़ियारत के चारों ओर आपको सिर्फ माउंटेन्स नज़र आने वाले हैं, आगे पीछे से इस साइड इंडिया के नज़र आएंगे, उस साइड पाकिस्तान के नज़र आएंगे, LOC नज़र आएगी। तो ये ज़ियारत जो है ये चारों ओर से माउंटेन से कवर है। ये जी वापस आने का टाइम हो गया था और सूरज भी डूब रहा था, तो हम सोच रहे थे कि अब वापस जाया जाए, और सच में बहुत सुकून है इस ज़ियारत में। आप लोग भी ज़रूर एक बार विज़िट करें यहाँ पे और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। जो है ये इंडिया का है, इससे आगे एक गांव है, LOC की तार है, इससे आगे एक बहुत बड़ा गांव है हमारा इंडिया का, सामने जो आप देख रहे हो पाकिस्तान है, और इधर से भी हमारा ये गाँव है पूरा, ये सामने जो है LOC की तार है, इससे आगे एक गाँव है जी जी। आपको लास्ट में छोटी सी मस्जिद दिखाई दे रही है जी जी, वहाँ से आगे पाकिस्तान है, वहाँ तक इंडिया है। ये जो अभी बता रहे थे ये इसी ज़ियारत पे होते हैं, तो ये आए इन्होंने हमें सब कुछ बताया यहाँ पे कि कहाँ पे क्या है। तो LOC तो सामने विजिबल थी।